वेलकम बैक टू ए टीवी। आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसको मैं 5 मिनट स्नैक्स या फिर 5 मिनट में बनने वाले लजीज और हेल्दी खानों का नाम दे रही हूँ। यहाँ हमारे पास गरम मसाला, नमक, जीरा, लाल मिर्चे, म्यूनीज, 2 अदद बर्गर्स, 2 देसी अंडे। मैं देसी अंडे इसलिए इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज दे आर हेल्दियर, बट यू कैन यूज एनी एग अवेलेबल टू यू। आगे बढ़ते हैं जी। एक फ्रॉम लार्ज साइज टोमेटो, सैलड लीव, चीज, बटर, 2 अदद शामी कबाब जो हमने घर में बनाए हुए हैं, बटर, टमाटो केचप, इसके अलावा ये ऑयल है जो कि यूज होगा ये शामी कबाब फ्राई करने के लिए। ये सब तो हो गया बर्गर का सामान। यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज, लेकिन हमारा मकसद आज वक्त को बचाना है, इसलिए मैं हेल्दी क्रैकर्स और पापड़ मार्केट से लेकर आई हूँ। चलें अब हम शुरू करते हैं। ये पैन आज मैंने ख़रीदा है, ये पैन ग्रेनाइट कोटिंग के साथ है। जो मेरे टिफाल के नॉनस्टिक पैन थे वो तमाम मैंने फेंक दिए हैं बाहर, क्योंकि आपको पता ही है कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कैंसर के चांसेस थे। क्या आप देख सकते हैं, एक तरफ मैंने कढ़ाई में ये फिश क्रैकर्स फ्राई करने के लिए तेल डाल दिया है और दूसरी तरफ मैं पैन के ऊपर शामी कबाब फ्राई करने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। हमारे शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं, हम टमाटो कटिंग कर लेते हैं। इन द मीन वाइल हम अंडों को फेंटने का सामान करते हैं। अब मैं एक एक करके तमाम इंग्रेडिएंट्स अंडों में डालूंगी। अब ये अंडे फेंटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने बर्गर्स के लिए इनको फ्राई पैन पर रखने के लिए थोड़ा सा इनको गर्म करने के लिए बटर जो है वो आप थोड़ा इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे शामी कबाब बिल्कुल तैयार है। अब ये बन फ्राई पैन पे आपके सामने मैं रख रही हूँ, ठीक है जी। टाइम पे अच्छा खासा गर्म हो गया है, आपको ये लाइव कड़ाकों की भी आवाज आ रही होगी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो फिश क्रैकर्स हैं वो भेजने लगी हूँ, तो इसको इसके अंदर भेजने से पहले थोड़ा सा पीछे हट जाएं। ये देखें जी, यमी। अंडा बनाने के लिए आप दूसरा फ्राई पैन ले आए और इसमें भी थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे आप। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू ऐड एग ऑन, ओके, सो हियर यू गो। अब बन के ऊपर शामी कबाब लगा दिया गया है। अब आप म्यूनीज लें। म्यूनीज आपने दूसरे वाले बन के हेड कवर पे आपने उसको ऐसे करके लगाना है नाइसली। थोड़ा सा और लगाइएगा। बर्गर इज ऑलमोस्ट रेडी। शामी कबाब के ऊपर टमाटो रख दिया गया है और अब इसके ऊपर अंडा रखा जा रहा है। There you go. अब हम सैलड लीव्स थोड़े से यहाँ से लेंगे जो कि इतने यमी है, बिल्कुल फ्रेश सैलड लीव्स वो आप यहाँ पे रखेंगे। And here you go.